कैसी है वो? मास्टर, वो अपने रूम में है। तुमने डॉक्टर को बुलाया? नहीं मास्टर, इस टाइम आपके अलावा उसकी कोई और हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन वो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके साथ वो किया है। ऐसा होता है कि तेज जंकुक के जाने के बाद पेन किलर देख रही होती है क्योंकि उसके पेट में पेन हो रहा होता है, तो वो बाय मिस्टेक वैग्रा टैबलेट ले लेती है, तो इस वजह से उसकी बॉडी हीट हो जाती है और जंकुक को जो कॉल आती है वो उसकी मेड ने ही इसीलिए की होती है। लेकिन अगर मैंने उसके साथ वो किया तो वो मुझे दोबारा छोड़कर चली जाएगी। वो ये सोचेगी कि मैं बस उसकी बॉडी चाहता हूँ। नहीं मास्टर, हम उसे सब बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। अभी वो बहुत प्रॉब्लम में है, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आपको उसकी हेल्प करनी होगी मास्टर। ओके यार आदमी, आप लोगों ने सोचा था कि टेप प्रेग्नेंट है बट ऐसा नहीं है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि मुझे वायग्रा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है। तो प्लीज़ सीरियस मत लेना। ऐसा नहीं है कि जंकुक उसके साथ वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसे डर होता है कि कहीं पे उसे छोड़ कर ना चली जाए। उसके बाद जंकुक टे के रूम में जाता है। जंकुक देखता है कि टे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। जंकुक प्लीज़ हेल्प मी। जंकुक टे के पास जाता है। टे प्लीज़, इसके बाद मुझसे नफरत मत करना, मैं ये बस तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जंकुक टे को पकड़ता है और उसे किस करता है। जंकुक टे के लिप्स तक करता है और टे को टाइटली हग करता है। टे भी किस का रिस्पॉन्स देती है और एंजॉय भी करती है। जंकुक किस ब्रेक करता है और टे की नेक को सक करता है। टे भी जंकुक को टाइटली हग करती है और उसे एंजॉय करते हुए रिस्पॉन्स भी करती है और अपने हाथ जंकुक के बालों पे फेरती है। जंकुक सक करना बंद कर देता है और टे को एक दूसरे को देखते हैं। यार आदमी, मैं बहुत इनोसेंट हूँ पता है, बस मेरा दिल और दिमाग थकी है, तो इसमें मेरी भी गलती नहीं है। ते, मैं अब वो करने वाला हूँ, अगर हर्ट हो तो मुझे बता देना। It's a virgin boy, don't get nervous. Mm-hmm. Here to serve you customer service. Show your hand. Kick back and finish CPR. In back. Say kick back and finish CPR. Baby. उसके बाद दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और अपने ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन यार मैं आपको इससे आगे नहीं बता सकती क्योंकि मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने आपको पहले ही बोला था। एक बार हो जाने के बाद वो दोनों दोबारा करते हैं। इस टाइम यहाँ उनके बीच ना तो जबरदस्ती थी, ना ही नफरत और ना ही लस्ट, ये सब प्यार था क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसके बाद दे डूइंग 7 मोर राउंड्स, लेकिन इसके बीच में टे सो जाती है, सो जंकुक वो करना बंद कर देता है और टे को हग करता है। टे, मुझे नहीं पता कि कल तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा, लेकिन तुम्हारा जो भी रिएक्शन हो मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी हो। जंकुक टे के माथे पे किस करता है और ज्यादा टाइटली हग करता है, सो जाता है। जंकुक पहले उठता है और टे को देखता है। सो ब्यूटीफुल, यस्टरडे इट वाज ऑसम टे, मोर देन आवर फर्स्ट टाइम। उस टाइम बस तुम्हारे लिए मुझे सिर्फ एक लस्ट थी, लेकिन अब लस्ट से ज्यादा मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू टे, आई लव यू सो मच, लेकिन मुझे डर है, पता नहीं जागने के बाद तुम क्या करोगी। तुम मुझे मारना, पीटना, गाली देना, जो भी करना चाहो वो करना, बस मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। जंकुक टे के माथे पे किस करता है, उसके बाद वॉशरूम चला जाता है। टे अपनी आंखें खोलती है। हाँ, टे उस टाइम जाग रही होती है और जंकुक की सारी बातें सुन रही थी। ये सच में बदल गया है, आई थिंक मुझे इसे एक चांस देना चाहिए। टे उठने की कोशिश करती है बट उसकी बैक हर्ट होती है। आउच, इट्स हर्ट दिस बीस्ट। इतने में जंकुक वॉशरूम से बाहर आता है और टे को रोता हुआ देखता है। जंकुक सोचता है कि टे इसलिए रो रही है क्योंकि जंकुक ने उसके साथ वो किया है। टे, पेन तो मुझे हो रहा है लेकिन ये क्यों रो रहा है? जंकुक टे के पास जाता है। सॉरी टे, मैं तुम्हारी परमिशन के बिना दोबारा कभी वो नहीं करूंगा। मैं नहीं टे, कुछ मत कहो, मैं जानता हूँ तुम क्या कहने वाली हो। मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा।
तभी देर जंगकुक के थप्पड़ मारती है तो जंगकुक अपने गाल पे हाथ रख लेता है। अब मेरी बात सुनो, मैं कहीं नहीं जा रही और तुम्हें एक चांस भी देना चाहती हूँ। क्या सच में? हाँ। थैंक यू सो मच देर, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? क्योंकि मेरी बैक पेन हो रही है यू बेस्ट। जंगकुक ते की क्यूटनेस पे हंसता है तो ते उसे आंखें दिखाती है। ओके, मैं नहीं हंसता, मैं तुम्हारे बैक पे मेडिसिन अप्लाई कर दूंगा। ओके, आई लव यू ते। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मैं तुम्हें चांस भी तभी दूंगी जब तुम मेरी शर्तों को मानोगे। मान ली ते। पहले सुन तो लो। ओके, तो वो शर्तें क्या है ते? वो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हाँ ते, रियली आई लव यू। फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये किस टाइप का क्वेश्चन है ते? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन तुम जानते हो ना, मैं म्यूट हूँ, मैं दूसरों की तरह बात नहीं कर सकती। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम्हारी पूरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? हाँ ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस तुम्हारे खूबसूरत चेहरे और जिस्म से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे हर चीज से प्यार करता हूँ। ओके, तो फिर मैं तुम्हें शर्तें बताती हूँ। नंबर वन, तुम किसी भी सूरत में मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। नो बेबी, कभी नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। नंबर टू, तुम मुझे वो करने के लिए कभी फोर्स नहीं करोगे जब तक मैं वो करने के लिए रेडी ना हो जाऊँ। ओके बेबी, मैं कभी फोर्स नहीं करूंगा, बट आई जस्ट बैग यू। देशनु, नंबर थ्री, मेरे कैरेक्टर पे कभी शक नहीं करोगे। शक? और तुम पे? नो बेबी, नेवर। नंबर फोर, जब तक मैं रेडी ना हो जाऊं तब तक मुझसे बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स मत करना, क्योंकि मुझे लेवर पेन से डर लगता है। लेकिन बेबी, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ तो ये तब होगा जब मैं रेडी होंगी। ठीक है। एंड लास्ट नंबर फाइव, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। आई नो कि तुम एक प्ले बॉय हो, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं चली जाऊंगी। नहीं बेबी, मैं मानता हूँ कि मैं पहले प्ले बॉय था, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं अब वो इंसान हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन अपने दिमाग में एक बात डाल लो, जिस दिन तुमने ये सारी शर्तें क्रॉस की उस दिन से तुम मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं देखोगे। बेबी प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे डराना बंद करो। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, मैं बस सच बोल रही हूँ। तो तुम ते कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक उसे किस करके रोक देता है। जंगकुक ते के लिप्स तक करने लगता है। कुछ टाइम बाद जंगकुक किस ब्रेक करता है। मुझे डराना बंद करो बेबी गर्ल, वो दिन कभी नहीं आएगा, मैं आने ही नहीं दूंगा। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे बहुत डराया है बेबी गर्ल, तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। आई लव यू ते। आई लव यू टू जंगकुक। उसके बाद दोनों अपने ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। यार हर बार मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने आप भी कुछ थोड़ा सा मतलब इमेजिन कर सकते हो। मेरे यार क्या बोलूं, मुझे तो शर्म आ रही है, मैं नहीं बोल सकती। दूसरी तरफ बोगम ते को पाने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। वो ये नहीं जानता था कि ते जंगकुक के साथ है और उसके साथ क्या हुआ है। तो वो सोचता है कि ते को थोड़ा सा टाइम दिया जाए और फिर उसे अप्रोच किया जाए। और अब जंगकुक और ते एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे थे। जंगकुक एक हस्बैंड मटेरियल बन गया था जो ते के लिए कुछ भी कर सकता था। जंगकुक इसे देखो। ते एक कागज लाती है जिस पर उसका और पुकी का नाम कॉलीग्राफी में लिखा होता है। वाओ बेबी, ये तुमने लिखा है? हाँ। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी तरह, लेकिन ये कुकी कौन है? ये तुम हो, मैंने तुम्हें निकनेम दिया है कुकी, तुम्हें पसंद आया? आई लव इट बेबी, इसे मुझे दो, मैं इसको फ्रेम कराकर हमारे रूम में लगाऊंगा। ओके। कुकी आज मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। ओके, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा बेबी। नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, तुम्हारा ऑफिस भी तो है ना, राइट? हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जब तुम ऑफिस से वापस आ जाओगे तब हम टाइम स्पेंड करेंगे। ओके ओके, फिर आज रात के लिए रेडी रहना बेबी गर्ल।
यू कुकी बेशरम, सिर्फ तुम्हारे लिए बेबी गर्ल। पागल। हाँ मैं हूँ। ओके बेबी, टेक केयर। ओके जल्दी आना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। ओके ओके। उसके बाद जंगकुक टे के माथे पे किस करता है और ऑफिस चला जाता है। टे भी शॉपिंग करने चली जाती है। टे अपने फेवरेट गुची स्टोर जाती है और अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करती है, लेकिन वो सडनली किसी से टकरा जाती है। आउच। ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। मुझे बताना कमेंट करके कि टे किससे टकराई है। आई नो मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं बहुत बिजी हूँ रिसेंटली, और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आई होप कि आप मुझे समझेंगे। मुझे आप कमेंट करके बोलते हो कि बड़ी वीडियो बनाइए, मैं नहीं बना सकती, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके बाय, लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट, बी केयरफुल, लव यू।